नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एफएम न्यूज। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी गुजरात चुनाव के लिए 3 दिन के दौरे पर हैं। अपने इस दौरे पर वो कई जनसभाओं और रैलियों का नेतृत्व कर रहे हैं। बुधवार को राहुल गांधी की भरूच रैली के दौरान एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसे देखकर ऐसा माना जा रहा है कि गुजरात में राहुल गांधी का खुमार वहां के युवाओं के सिर पे चढ़ रहा है। रैली के दौरान राहुल से मिलने की बेताबी में एक युवती एसपीजी का सुरक्षा घेरा तोड़कर उनकी वैन पर ही जा चढ़ी। युवती राहुल के साथ सेल्फी लेना चाहती थी। अचानक उसकी इस हरकत से कुछ देर के लिए एसपीजी के जवान भी हैरत में रह गए, लेकिन राहुल ने उन्हें युवती को वैन से उतारने से रोक दिया, जिसके बाद युवती ने आराम से राहुल के साथ एक के बाद एक कई सेल्फियां ली। इसके बाद जैसे तैसे उसे वैन से उतारा गया। हालांकि इस दौरान राहुल खुद लड़की को वैन से उतरने में मदद करते दिखे। राहुल गांधी ने कहा कि जेटली कुछ विदेशी संस्थाओं के आधार पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत को किसी विदेशी संस्थान की जरूरत नहीं है। देश दुनिया से जुड़ी हर अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज को सब्सक्राइब करें। स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।